दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक बेहद खास उपाय। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किया उसके आधार पर बनाई जा रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी के परेशानी से जूझ रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में स्थिति खराब कर रही है। कोई ऐसा है, कोई तीसरा है जो आपके रिलेशन में दरार पैदा कर रहा है, कोई तीसरा है जो आपके पार्टनर को आपसे छीन रहा है। उसके लिए आपको उपाय बताएंगे कि क्या किया जाए ऐसा जिससे कि तीसरा व्यक्ति जो है वो रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दे, तीसरा व्यक्ति जो है वो आपके पार्टनर को बिल्कुल ही छोड़ दे, स्वतंत्र कर दे, उससे किसी भी प्रकार से भी कोई संपर्क ना रखे। अगर ऐसा चाहते हैं तो इस उपाय को करें। उपाय क्या है उसके बारे में आगे जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, और बेहद खास उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। इससे जितने भी कोई भी आपके पार्टनर के, चाहे 17 अफेयर हैं, 18 अफेयर हैं, या कितने भी अफेयर हैं, 1, 2, 3 जो भी हैं, अगर आपको नाम पता है तब तो बेहद खास है, अगर आपको चेहरे पता है तब तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में नॉलेज है, जानकारी है, कौन है वो व्यक्ति, कहाँ का है, ये जानकारी है, चेहरा याद है, चेहरा देखा है, तब तो आपके लिए निश्चित ही ये उपाय रामबाण साबित होगा। और नहीं भी है अगर पता कि कौन है, तब भी ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो आखिर जानते हैं कि कैसे करेंगे हम तीसरे व्यक्ति का सफाया। ये तीसरे व्यक्ति जो हैं वो हर किसी की लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति बना देते हैं। हमारा और आपका रिश्ता है उसमें भी कुछ ना कुछ तीसरा व्यक्ति कोई आ ही जाता है, थर्ड पार्टी कोई ना कोई आ ही जाती है। वीडियो डालते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी ऐसे लोग आ ही जाते हैं, और ऐसे लोग शायद वीडियो डालने से पहले ही तैयार रहते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, लोगों ने हमारी सब्सक्रिप्शन ले रखी है। क्यों? क्योंकि ये अपना प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल उनके पास में गुण नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और मेहनत करते हैं तो किस चीज़ में करते हैं, कमेंट करेंगे लड़कियों की फेक आईडी बना करके कि वशीकरण स्पेशलिस्ट, और बहुत सारे गुरुजी, गुरुजी ने मेरी मदद की है, गुरुजी ने ये कर दिया, गुरुजी ने मेरा भाग्य बदल दिया, गुरुजी ने मेरी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा खुशहाली ला दी, रिलेशनशिप में हर चीज़ से खुशहाल कर दिया, मेरा पति मुझे मिल गया, मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई, ऐसे तमाम जो बातें हैं वो कमेंट बॉक्स में होती हैं। ये लोग करते क्या हैं? इन लोगों का उद्देश्य जो है वो केवल और केवल पाप करना है और कुछ नहीं, किसी का भला करना इनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये फेक आईडी बना करके ऐसा काम करते हैं और गारंटी देते हैं। मैंने आज तक किसी को कोई चीज़ की गारंटी नहीं दी, और मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर आपको कोई भी व्यक्ति गारंटी देता है तो वो निश्चित ही फ्रॉड है, वो पाप कर रहा है, वो निश्चित ही आपके पैसे को कहीं ना कहीं खाएगा, लूटेगा और आपको ब्लॉक कर देगा और आपको अभद्र भी बोलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे क्लाइंट हैं जिन लोगों ने ये चीज़ें की हैं और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। वैसे इस बारे में शायद मुझे इतनी जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन इस बारे में जानकारी तब हुई जब लोगों ने अपनी आप बीती मुझे बताई, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। मैं भी लोगों के लिए पूजा इत्यादि करवाता हूँ, लेकिन एक एक बात क्लियर करके चलता हूँ। कई लोगों के काम हो जाते हैं तब वो मुझे धन्यवाद करते हैं, कई लोगों के काम नहीं होते हैं तब भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, कई लोगों के काम हो जाते हैं तब भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के काम नहीं भी होते हैं, लेकिन जो बात होती है वो क्लियर होती है हमारे यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने अभी तक पूजा करवाई है, बहुत सारे लोगों को अच्छा फल मिला है, बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। तो ये जो होता है उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो पूजा होगी उसमें तो भाई खर्चा होता है, और उसके लिए लोग जो करते हैं वो खर्चा लेते हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि इन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आप इनके पास जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं तो वो किसी के पास में भी जाते हैं और वो संपर्क बना लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये लोग बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी करते हैं कि एक कमेंट करने के बाद में उस पे अपनी 30-40 आईडी से लाइक कर देते हैं, और लाइक करने के बाद में आपको भरोसा होने लगता है कि इतने लाइक्स आए हैं तो कोई ना कोई अच्छा ही होगा, फिर ऐसे में आप संपर्क कर लेते हैं। कई बार ऐसे भी कमेंट करते हैं कि अतुल जी का नंबर है,
और इस पर पर्सनल कॉल करें, संपर्क करें और आपका काम हो जाएगा ऐसे भी। तो इसमें क्या है, ये मुझे दिख जाते हैं तो मैं तो इन्हें ब्लॉक ही कर देता हूँ। पर इससे क्या होता है कि एक तरह से भरोसा, जो लोग अनभिज्ञ हैं इस चीज़ से, मेरा तो एक ही नंबर उपलब्ध है और इस नंबर पर संपर्क करने के बाद में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद में ही, और वो भी फीस पे करने के बाद में, मैं बिना फीस पे किए हुए व्यक्ति से किसी से भी बात नहीं करता हूँ। और वो भी फीस जो होती है, लव लाइफ का अपॉइंटमेंट होता है, उसकी फीस जो होती है वो पे करने के बाद में ही बात करता हूँ। तो मेरा जो पर्सनल नंबर है वो उन्हें ही दिया जाता है, और वो भी उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए अपॉइंटमेंट होता है, 30 मिनट बात होती है बस केवल, उसके बाद में फिर से लेना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लोग जो कर रहे हैं, उससे इनका तो पाप कर रहे हैं, पाप भोगेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए बात बोल रहा हूँ। तो दोस्तों उपाय पे आते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाए, आपकी लाइफ से परेशानियां भग जाएं। अगर आपके पार्टनर किसी से भी आकर्षित हैं, मान लीजिए कई बार तो लड़कियां या लड़के किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में दूसरे अफेयर बना लेते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ये भी प्रॉब्लम सामने आती है कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को भड़काता है, आपके पार्टनर को नेगेटिव चीज़ें बोलता है और आपके रिलेशनशिप को 5 5 साल, 10 10 साल, 20 20 साल के रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। और ये चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी, केवल और नेगेटिविटी। ये जो है वो आपको नकारात्मकता देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, इसे दूसरी भाषा में तंत्र मंत्र भी कहते हैं। अगर नकारात्मकता कोई देता है तो वो एक भाषा में नेगेटिविटी है, आपके नकारात्मक विचार हैं, दूसरी भाषा में तंत्र मंत्र भी है। अब सामने वाला केवल नकारात्मक विचार ही दे रहा है, उसके साथ में वो कोई प्रयोग भी कर रहा है, ये भी चीज़ देखनी जरूरी है। लेकिन जो उपाय मैं बताने वाला हूँ, उससे चाहे वो आपके व्यक्ति आपसे कितना ही दूर हो गए हों, आपको कितना ही इग्नोर करने लगे हों, थर्ड पार्टी से कितनी भी परेशानी होने लगी हो, वो निश्चित ही आपकी दूर हो जाएगी। क्या उपाय है, ये उपाय बेहद खास है। सबसे पहले उपाय जानते हैं, कितनी भी थर्ड पार्टी है, ध्यान रखना आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपको इस उपाय पर विश्वास होना चाहिए, तो निश्चित ही आपका काम बनेगा। और उपाय बेहद सरल है, बेहद सरल। क्या है उपाय दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक कांसे का लोटा लेना है या कांसे का गिलास लेना है, कांसे का पात्र लेना है। कांसा क्या होता है, कांसा एक धातु होती है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल जो कभी कभी तो बिना मतलब के होते हैं, जो मैं वीडियो में बता देता हूँ, उसके बावजूद भी वो सवाल करते हैं। तो आपको बता दूँ, कांसा जो है एक धातु होती है, मैं आपको बता दूँ, एक मिनट, ये गिलास है, इसमें ये कांसे का है, ये मैं पानी पीता हूँ इससे, तो ये कांसे का गिलास है, कांसे की धातु है। और इसी पात्र को आपको लेना है, मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, और इस पात्र में आपको जल भरना है। जल भरने के बाद में जब जल भरेंगे तब भी अपने पार्टनर को याद करेंगे, फिर उसके बाद में एक बूंद शहद डालनी है, सुबह करना है, नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद में सुबह करना है आपको, एक बूंद शहद की डालनी है, और जब शहद की डालेंगे तब भी अपना प्यार याद करेंगे, यानी कि पार्टनर को याद करेंगे। और उसके बाद में जितनी थर्ड पार्टी आपको लगता है कि आपके पार्टनर 3 लोगों से इन्वॉल्व हैं, 4 लोग आपके पार्टनर को आपसे छीन रहे हैं, 5 लोग छीन रहे हैं, जितने लोग भी हैं आपको अगर गिनती पता है, उनके चेहरे पता है, नाम पता है, तब तो बहुत अच्छा है। अगर नाम पता है, चेहरे पता है, सब कुछ याद है, तो उनको 4 5 6 आए, 1 2 4, कोई भी कितने भी हों, उन सबको याद करते रहिए। और जितने लोग हैं उतनी सरसों की बूंद डालें, सरसों के तेल की, सरसों के तेल की बूंद। अगर एक व्यक्ति है आपके थर्ड पार्टी में जो मतलब आपको परेशान कर रहा है, आपके पार्टनर को आपसे छीन रहा है, तो एक बूंद सरसों के तेल की डालें और उसको याद करें, अगर आपको पता है। और अगर पता नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आपके पार्टनर को अलग करना चाहते हैं, या एक व्यक्ति है, एक से अधिक कितने भी हैं, और आपको किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कौन है वो व्यक्ति, कहाँ का है, कैसा है, क्या लगता है, नहीं पता है, तो केवल और केवल आपको मन में ये ध्यान करना है कि जो भी है इनका, जो भी व्यक्ति है जो इनसे ऐसा कुछ करवा रहा है या इन्हें हमसे दूर कर रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो हमें और इन्हें एक दूसरे से अलग करना चाहता है, उस व्यक्ति को
अलग कर दें, उस व्यक्ति को इनकी लाइफ से कोसों दूर कर दें और इग्नोर करवा दें इनसे, बिल्कुल ही इनका उनका कोई मतलब ना हो, ये बात सोचें कितने भी लोग हों, और सरसों के तेल की बूंद डालें। अगर आपको पता नहीं है कितने लोग हैं तो 5 बूंद डालें, 5 बूंद सरसों के तेल की, ये आपको डाल लिया। ये डालने के बाद में जब आप ये कर लेंगे तो आपको फिर ये ध्यान में रखना है कि आपने सोच लिया, समझ लिया, सब कुछ कह दिया। अब आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि ये थर्ड पार्टी से नफरत करने लगे हमारा पार्टनर, क्योंकि अगर नफरत करने लगे ये कह दिया तो नफरत से ही प्यार उपजता है, ये ध्यान रखना। अगर नफरत करने लगा तो प्यार भी करता होगा इसलिए, और वो प्यार फिर बाद में भी उपजेगा, और अभी कम था अब और अधिक हो जाएगा। इसलिए नफरत नहीं करवानी है, केवल उन्हें दूर करना है, केवल इन्हें दूर करना है, और दूर ऐसा दूर जो बिल्कुल भी सोचे ही ना। अब क्या करना है, इस पात्र को ले जाइए, कांसे के पात्र को, ये आपको रोजाना करना है। ये काम करने के बाद में कांसे का जो लोटा है, गिलास है, जो पात्र है, उसको ले जाइए और भोलेनाथ के मंदिर में जाइए शिवलिंग पर, वहां पर जाकर के वो जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, और आपको ओम नमः शिवाय जपते हुए ये जल चढ़ाना है। उसके बाद में ये स्मरण करना है, जितने भी लोग हैं उनसे दूरियां बन जाएं, और मेरा पार्टनर ये शहद जो है वो है आपका प्यार, ये शहद चढ़ाने से आपका प्यार आपकी ओर आएगा। तेल जो सरसों का है वो आपके जितने भी विरोधी हैं, जितनी थर्ड पार्टी हैं, उनको बिल्कुल ही नष्ट कर देगा, दूर हो जाएंगे। और जल है वो एक मन है, शीतल है, और आपको वो तीनों ग्रहों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया, जो शनि है, नाराजगी थी वो खत्म हो जाएगी, तो ये जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। जल चढ़ाइए और उसके बाद में प्रार्थना कीजिए कि ये परेशानियाँ दूर हों, और प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए। उसके बाद में ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की 11 माला रुद्राक्ष की माला से कीजिए, बस इतना है आपको करना, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम, निश्चित ही ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों अब आपको एक बात में ध्यान रखनी है कि ये उपाय आपको कब तक करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये उपाय कम से कम आपको 21 दिन करना है, 21 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 21 दिन में नहीं मिलता है तो योग जो है कुंडली के वो ज़्यादा ही खराब होंगे, तभी ऐसी स्थिति हो सकती है, अन्यथा मैंने देखा है इसका निश्चित ही उपाय से समाधान हो जाता है और बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिल जाते हैं, अगर कोई और वजह नहीं है तो। और दोस्तों उसके साथ साथ आपको ये उपाय वगैरह नियम बता दें कि महिलाओं को पीरियड इत्यादि के दिनों में नहीं करना है ये उपाय, इस बात का विशेष ध्यान, वैसे तो सबको पता ही होता है लेकिन कमेंट करते हैं तो मैं बता देता हूँ। माला रुद्राक्ष की माला से जपना है, और भी माला ले सकते हैं, लेकिन वो कांसे का पात्र होना चाहिए, वो कांसे का पात्र होना चाहिए, उससे कोई समझौता नहीं करना है, और वो शहद, वो तेल, वो जल, वो सब कुछ सेम टू सेम, और कोई भी अपने ओर से दिमाग लगा करके कॉमेंट ना करें कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, क्या ये कर लें, ऐसा हो सकता है, जितना बोला है उतना अगर सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे, इससे आपको लाभ होगा, ये उपाय कर लें। और अगर आप इंस्टाग्राम पर लाइव अपने पार्टनर और अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लाइव आएंगे गुरुवार रात 11 बजे, मैंने कल बताया था आपको, वैसे पता होगा बहुत सारे लोगों को, नहीं पता है तो जान लें, गुरुवार रात 11 बजे अगर ज्योतिष की निःशुल्क सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर फॉलो कर लें, गुरुवार रात 11 बजे वहाँ पर जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपकी जन्म कुंडली अध्ययन भी किया करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।